गोपी आगे खोलो, गोपी अहम जी, गोपी गोपी हमें फौरन इनके कुछ टेस्ट करने होंगे। ये आपकी वाइफ है ना? हाँ हाँ, ये मेरी पत्नी है। आप ये बता सकते हैं कि इतनी चोट इन्हें आई कैसे? डॉक्टर साहब, वो लकड़ी की कुछ बल्लियां और छत का एक हिस्सा इन पर गिर गया, उसकी वजह से ये चोट आई। इन्हें कैजुअल्टी में ले चलो। भाई जाने दीजिए, हम वहां नहीं जा सकते। बिल्कुल चिंता मत करें, सब ठीक हो जाएगा। ध्यान दिख रहा गोपी, वो कहां? सब हुआ कैसे? बहुत चोट लगी है क्या गोपी को? हाँ माँ, वो बहुत सारी लकड़ी की बल्लियां और छत का एक बहुत बड़ा हिस्सा भाभी पे गिर गया। तुझे तो नहीं लगी ना? ठाकुर जी, जो तो सुदाशा देंगे जो हमारी दिक्री नहीं। मम्मी मैं ठीक हूँ, चोट गोपी को लगी। लेकिन ये सब हुआ कैसे? मुझे उसे वहां अकेले नहीं छोड़ना चाहिए था। अहम, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं कुछ समझी नहीं, स्पष्ट बताओ बात क्या है। एक्सक्यूज मी, आप में से कोकिला मोदी कौन है? जी मैं हूँ। आपने ही हमें फोन किया था? हाँ मैंने किया था। ठीक है, आप अपनी शिकायत दर्ज करा दीजिए ताकि मैं रिपोर्ट तैयार कर सकूं। इंस्पेक्टर साहब, मेरी गोपीवो की हालत बहुत नाजुक है, स्थिति में मैं रिपोर्ट नहीं लिखवा पाऊंगी, क्षमा कीजिए। अच्छा आप ये बताइए कि आपकी बहू को चोट कैसे लगी? मिसेस मोदी, कैसा लग रहा है? मिसेस मोदी, कहाँ पेन हो रहा है बताइए मुझे। हेलो मिसेस मोदी, कैन यू हियर मी? वो फॉल सीलिंग लकड़ी की बलियों पर टिकी हुई थी, जैसे वो लकड़ियां गिरी वो सीलिंग गोपी पर गिर गई। क्या ये सब अपहरणकर्ताओं ने किया? जी नहीं, वो तो
मिस्टर मोदी, मुझे जरा आपसे कुछ बात करनी है प्लीज। जी कहिए। फौरन ही हमें आपकी वाइफ का ऑपरेशन करना पड़ेगा। इसलिए हम ये जानना चाहते हैं कि आपकी वाइफ को किसी खास दवाई की कोई एलर्जी तो नहीं है ना? नहीं डॉक्टर साहब, गोपी को किसी चीज से एलर्जी नहीं है। तो अब हमें ऑपरेशन की तैयारियां और ब्लड के बारे में देखना होगा। तब तक आप एक काम कीजिएगा, जैसे भी हो आप अपनी वाइफ को जगा के रखिए। सर में चोट लगने की वजह से वो कोमा में भी जा सकती हैं। और उस हालात में केस और भी पेचीदा हो सकता है, इसलिए जैसे भी हो आप उसे जगा के रखिए। सच कहूं तो पेशेंट की हालत बहुत ही खराब है, वो धीरे धीरे सिंक कर रही है। हमें इनका ऑपरेशन जल्द से जल्द करना होगा। सर, मेरी गोपी हो ठीक हो जाएगी ना? देखिए अभी उनकी हालत बहुत गंभीर है, कुछ अंदरूनी ब्लीडिंग भी हो रही है, लेकिन जैसे भी हो आप उन्हें जगा के रखिएगा, ठीक है? और हाँ देखिए, पेशेंट की ओर ज्यादा भीड़ मत कीजिएगा, एक बार में बस दो या तीन लोग जाइएगा। गोपी दिख रहा? हाँ आगे खोलो, देखो तुम्हारी माँ जी और काकी जी आई हैं। आगे खोलो। गोपी वो, गोपी वो आंखें खोलो। तुम मेरी आवाज सुन रही हो ना गोपी वो? मिस्टर मोदी, क्या हुआ डॉक्टर साहब? क्या हुआ? मिस्टर मोदी आई एम सॉरी, लेकिन पेशेंट की हालत पहले से ज्यादा बिगड़ चुकी है। डॉक्टर साहब अब कहना क्या चाहते हैं? पेशेंट की इंटरनल ब्लीडिंग अभी भी जारी है और इनका एक हाथ बुरी तरह से फ्रैक्चर हो चुका है। लेकिन हमें उसकी फिक्र नहीं है, हमें चिंता है तो इस बात की कि पेशेंट के ब्लड ग्रुप का ब्लड हमारे ब्लड बैंक में नहीं है। इनका ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है, जो काफी कम पाया जाता है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं दूसरे ब्लड बैंक से इंतजाम करने का। लेकिन डॉक्टर साहब अब तो गोपी की आंखें भी नहीं खुल रही है। इसलिए आप लोग जल्द से जल्द कोशिश कीजिए और जितनी जल्दी हो सके रिप्लेस करवा दीजिए। क्या आपके परिवार में किसी का ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है? अहम दिख रहा, हमारे परिवार में किसी का भी ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव नहीं है। अहम दिख रहा, अब क्या होगा, क्या करेंगे हम?